MHI-10 से हड़प्पा नगरों का अंत के बारे में हम जानेंगे। MHI-10 के पेपर 10 के ब्लॉक 2 में जो यूनिट 5 है उससे हड़प्पा नगरों का अंत कैसे हुआ आओ हम देखते हैं। जो परिपक्व था बहुत ही, जैसे हम प्री और लेटर ऐसे दो प्रकार के हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है, पहले जो हड़प्पा था सभ्यता और उसके बाद का सभ्यता, लेकिन सबसे परिपक्व था इस यह हड़प्पन सेटलमेंट सिविलाइजेशन था जिसको परिपक्व बहुत ही माना जाता है, क्योंकि इसके नगर ऐसा बनाया गया था कि इसका परिचय बन गया था। तो परिपक्व हड़प्पा युग या नगरवाद का युग लगभग 700 वर्ष तक रहा। 700 वर्ष की यह अवधि बीच बीच में उथल पुथल से भरी भरी रहती है कि इसका अनुमान समय समय पर आने वाली बाढ़ से लगता है जो कि मोहनजोदड़ो को नष्ट करती रही। तो 700 वर्ष की ये जो अवधि थी बीच बीच में उथल पुथल से भी भरी रही होगी, ऐसे कहां से पता चलता है? मोहनजोदड़ो में जो बाढ़ आता था वहां से पता चलता है, बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था मोहनजोदड़ो ऐसा माना जाता है। तथापि 1900 BCE के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर प्रमुख नगरों को परित्याग कर दिया गया था या वे स्पष्ट रूप से दबाव में थे। हड़प्पा नगरों के उद्गम की भांति ही उनके अंत के कारण पर भी वाद विवाद है। जैसे ये कैसे शुरू हुआ इसके ऊपर वाद विवाद, जैसे किस अंत हुआ यहाँ पर वाद विवाद है, कोई स्पष्ट मत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐतिहासिक मानते हैं बाढ़ के कारण हुआ, कितने मानते हैं आक्रमण के कारण हुआ, बाहरी जो शत्रुओं के आक्रमण के कारण हुआ, और कोई कोई मानते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक भूकंप होने के कारण भी हुआ था। तो ये कुछ स्पष्टता नहीं है कैसे इसका अंत हुआ। तथापि यहाँ हमारा सरोकार मुख्य रूप से परिपक्व हड़प्पा काल के पश्चात बृहद सिंधु घाटी में होने वाली घटनाक्रम से है। ऐसा नहीं है कि यह क्षेत्र पूरी तरह से निर्जन हो गया था या इसका परित्याग कर दिया गया था। तथ्य यह है कि 1900 BCE के पश्चात हम यहाँ परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से भिन्न भौतिक संस्कृति की बसावटें पाते हैं, जिसमें सिस्मिक की बनी हुई वस्तुएं, टेराकोटा, केक और आभूषणों के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी के पलिशदार टुकड़ों, फेंस के प्रयोग का निरंतर पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा कालीन नगरों के प्रादुर्भाव से पूर्व स्थिति एक प्रकार से उलट हो गई, जिसमें बसावटों में अब मुख्यतः गांव है जिनमें क्षेत्रीय संबंधता थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हड़प्पा नगरवाद की अधिकतर विशेषता जैसे कि लेखन कला, तौल के वाट और मोहरों का प्रयोग या योजनाबद्ध नगरों का निर्माण या समृद्ध और जीवंत भौतिक संस्कृति ये सब कुछ लुप्त हो गई ऐसा प्रतीत होता है। मोहनजोदड़ो जैसे बड़े केंद्र में नगरपालिका के कार्य और नियमों की शिथिलता, घरों और भट्टियों द्वारा सड़कों का अतिक्रमण और सार्वजनिक स्थलों पर निर्माण के रूप में देखी जा सकती है। चार तथाकथित उत्तर हड़प्पा संस्कृतियां जिनके बारे में अभी भी काफी कम अध्ययन किया गया है अब दृष्टिगोचर है, जैसे कि दक्षिणी सिंधु में झुकर, चोलिस्तान जो कि थर डेजर्ट के पास है, पाकिस्तान में है वो, भारत में नहीं, चोलिस्तान है, और दक्षिणी पंजाब में सेमिटरी समाधान भूमि, एच सेमिटरी समाधान भूमि एच, और सतलज यमुना शाखा में उत्तर सिसवाल और गुजरात तथा काठियावाड़ में रंगपुर 2 BC मोटे तौर पर यह
सब लगभग 1900 से 1500 बीसी के काल की है। ये चित्र में भी देख सकते हैं। झुकर में वृत्ताकार मोहरे मृदभांड के सिरहाने बादामी रंग के बृहद भांड मृदभांड है और परिपक्व हड़पाई घरों में प्रकट रूप से पुनः निवास उल्लेखनीय है। सिमेट्री एज के मृदभांड सुनिर्मित मृदभांड है जिन पर जटिल प्राकृतिक डिजाइन पक्षी पशु पत्तियां पत्तियों परिपक्व हड़प्पा से पूर्वी सोथी अवशेष वाल संस्कृति से स्पष्टतः उत्कीर्ण दर्शाता है। गुजरात और काठियावाड़ में रंगपुर 2 BC स्थल आकारों में भारी कमी के साथ संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है, जिसमें यह साफ जाहिर होता है कि यह निर्वाह आधारित रणनीति में कृषि के विपरीत पशुचारण पर अधिक निर्भरता के परिवर्तन को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1900 BC के बाद की अवधि में आबादी का पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में गमन हुआ था। लंबे समय से इसे एक ऐसी अवधि भी माना गया है जो दो नगरीय चरणों के बीच है, जैसे पूर्व में पहले और दूसरे नगरीकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। हाल ही में जे सेफर जैसे पुरातत्वविदों ने यह बताने की प्रयास किया है कि नगरवाद में कोई समय अंतराल या अंतर नहीं था। उनका मानना है कि 1900 BC के पश्चात भी नगरों का अस्तित्व बना रहा और पहला और दूसरा नगरीकरण पृथक प्रकटना नहीं थे अपितु उपमहाद्वीप में नगरवाद का सतत इतिहास का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने पूर्वी पंजाब में किए गए सर्वेक्षणों जिससे भौगोलिक रूप से विशाल बसावटों का पता चला उसके आधार पर ऐसा विचार व्यक्त किया है। उन्होंने इसे सिंधु गंगा संस्कृति परंपरा रूप में एक परंपरा कहना पसंद किया है। सेफर 1993 में कहा था लिखा है। तथापि जब तक इन विशाल प्रतीत होने वाले स्थानों पर खुदाई कार्य नहीं किया जाता, एकमात्र आकार के आधार पर नगरवाद कहना या नगरवाद नैरन्तर्य के सिद्धांत को स्वीकारना समस्या पर रखे। इस प्रकार यह जानना जरूरी है कि नगरवाद भी समाप्त हो सकता है। अतीत की गतिशीलता ने यह सुनिश्चित किया है कि एक व्यवस्था में जो केंद्र और परिधियां थी, समय के साथ ये सब कुछ बदल सकती है। परिपक्व हड़प्पा काल में यदि भी पंजाब और सिंध क्षेत्र प्रतीत होते हैं और गुजरात तथा गंगा यमुना दुआब परिधि उत्तर हड़प्पा काल में ये परिधियां अंत तोगुत्वा वसापट का केंद्र बन जाती है। तो इसके साथ ही हम कैसे अंत हुआ यहाँ पर हमारा हड़प्पा सभ्यता इसके बारे में हम जाने, फिर आगे हम और एक वीडियो में उसके MHI-10 के बारे में और ज्यादा जानकारी लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा लगे तो बताइए। धन्यवाद।